आखिरकार हेमंत सोरेन ने सीट बंटवारे की घोषणा कर ही दी। भाजपा के बाद अब झामुमो कांग्रेस ने भी झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अब की बार के चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि सहयोगी दल आरजेडी और सीपीआईएमएल के खाते में कुल मिलाकर 11 सीटें जाएंगी। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। सीएम सोरेन ने कहा कि 70 सीटों पर हम दोनों पार्टियों की सहमति बनी है, अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। हमारे साथ वामदल भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी सीट साझा की जाएगी, इसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। वहीं होटल रेडिसन ब्लू में आज राजद की बैठक चली। इससे पहले कल राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी हेमंत सोरेन से मुलाकात की। अब राजद के पक्ष में कितनी सीटें आती हैं ये तो फिलहाल खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजद को 7 सीटें देने पर सहमति बनी है। वहीं आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी झारखंड दौरे पर आए हुए हैं। उनकी कांग्रेस के नेताओं के साथ आज मीटिंग फिक्स है, जिसके बाद वह कार्यक्रम के लिए निकल जाएंगे। माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हुई। राहुल गांधी के दौरे के पहले जेएमएम और कांग्रेस की ओर से सीट शेयरिंग का ऐलान कर यह संदेश देने की घोषणा की गई कि झारखंड में इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई खास परेशानी नहीं है। हालांकि अब तक किसको कितनी और कौन सी सीटें मिलेंगी इसकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बंटवारे का फॉर्मूला पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही होगा। पिछले बार की तरह कांग्रेस इस बार भी 31 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेएमएम 43 और आरजेडी 7 सीटों पर। हालांकि उस बार के चुनाव में वाम दलों के साथ समझौता नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार भाकपा माले की इंडिया गठबंधन में एंट्री हो गई है। इस वजह से तीनों ही दल अपने खाते में आई सीटों में 1-2 सीट वाम दल को देंगे। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि राजद और कांग्रेस को अपने खाते में 2-2 सीटें वाम दल को देनी होंगी, जबकि जेएमएम के खाते से 1 सीट जाएगी। इससे पहले कल भाजपा ने भी सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम मुहर लगा दी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा और आजसू ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर घोषणा की कि भाजपा 68 सीटों और आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सहयोगी दल जेडीयू के खाते में 2 और लोजपा के खाते में 1 सीट आई। दरअसल झारखंड में विधानसभा का चुनाव 2 फेज में होगा। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आखिरी डेट 25 अक्टूबर की है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन ने पहले चरण में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। अब बस 1-2 दिनों में सिलसिलेवार ढंग से प्रत्याशियों की घोषणा भी शुरू हो जाएगी। तो अब देखना यह होगा कि उम्मीदवारों का ऐलान कौन सी पार्टी पहले करती है। खैर, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।